Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your channel, The Hungry Kitchen, and I'm your host, Neha Thakur. दोस्तों आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका नाम है क्रीमी गार्लिक मशरूम। मशरूम सुनते ही कुछ लोगों के फेसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यार नहीं खाना मुझे मशरूम पसंद नहीं है, ऐसे कई सारे। लेकिन मशरूम के एक्चुअली बहुत बेनिफिट्स हैं हमारे हेल्थ के लिए, जैसे कि उसमें लो कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, ऐसी कई सारी चीजें तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैं मशरूम लवर हूँ, मुझे मशरूम्स बहुत पसंद है। तो पक पक करते हैं थोड़ी कम और शुरू करते हैं आज की हमारी नई रेसिपी को। क्रीमी गार्लिक मशरूम बनाने के लिए हमने 250 ग्राम स्लाइस में कटे हुए मशरूम लिए हैं। हैवी क्रीम 150 ml, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्टेड बटर 2 चम्मच, बारीक कटा हुआ लहसुन 2 चम्मच, ऑरिगेनो आधी चम्मच, 2 चीज स्लाइस, 5 बेजिल के पत्ते, 1 कप मिल्क। धीमी आंच पर गरम करें और 2 चम्मच बटर डालें। बटर मेल्ट होने के बाद 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालें और धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक पका लें। उसके बाद 1 कप मिल्क डालें और हल्का बॉईल होने तक पका लें। अब मशरूम को स्लाइसेस में काट ले और पैन में डाल दे। उसके बाद 2 चीज स्लाइस पैन में ऐड कर दे। दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी सारी नई रेसिपीज की अपडेट्स मिलती रहे। अब चीज मेल्ट होने के बाद 150 ml हैवी क्रीम पैन में ऐड कर दें। ध्यान रखें इस रेसिपी को बनाते वक्त गैस की आंच धीमी रखें। अब सारी सामग्री को एक साथ अच्छे से मिला लें और 5 से 6 मिनट तक पका लें, जब तक सॉस थिक नहीं हो जाता। सॉस थोड़ा गाढ़ा होने के बाद आधी चम्मच ऑरिगेनो ऐड कर दें। उसके बाद 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करें। ध्यान रखिए मैंने इस डिश में नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आपको नमक की कमी लगे तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट तक पकने दें। गाइस आज की हमारी डिश रेडी है, इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करें, बेसिल पत्तों से गार्निश करें, ऑरेगानो स्प्रिंकल करें और गर्मा गर्म सर्व करें। गाइज आई होप आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी सारी नई रेसिपीज की अपडेट्स मिलती रहे। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और इस रेसिपी को अपने घर में एक बार जरूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।